जय श्री नारायण दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी के बारे में, जिनकी संस्था भी है गायत्री परिवार नाम से, और ये काफी लंबे समय से प्रचार कर रहे हैं युग परिवर्तन का, भगवान कल्कि का, और बाकी सारी चीजें जो भी इसी में होने वाली है। इनकी मैंने कई सारी वीडियोस आपको पहले भी सजेस्ट की थी, और अभी जो मैं वीडियो दिखाने वो बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था 1986 में। आप समझ सकते हैं कि कई लोग, जैसे आजकल मैंने देखा है कमेंट में, ये बताते रहते हैं कि जितना भी ये भगवान कल्कि का हो या युग परिवर्तन का हो या कलयुग के अंत की जो बातें निकली है, ये सिर्फ अभी ही निकली है, मतलब कि 2020 के बाद ही, जब से कोरोना आया और ये सारी चीज़ें अचानक से हो गई। पर ऐसा नहीं है, ये वो सारे सबूत हैं जिससे पता चलता है कि अभी से नहीं, बल्कि लोग काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज़ को लोगों को बता रहे हैं, अपनी संस्थाओं के माध्यम से, अपनी जो भी लोग उनसे जुड़े हैं उनको पहले जो जिनका जो सोर्स था वहाँ से वो प्रचार कर रहे हैं पूरा। पहले मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के संतों ने भी बहुत पहले 90s के टाइम में भी उन्होंने भी प्रचार शुरू कर दिया था भगवान कल्कि का, तो उसी कड़ी में ये भी है। तो इनकी वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी, पर कुछ कारणवश मुझे ये हटानी पड़ी थी, तो बहुत सारे लोग नहीं देख पाए थे, इसलिए री अपलोड कर रहा हूँ। तो सब लोग जरूर से देखिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल से जरूर से जुड़ जाइए। पूरा चैनल भगवान कल्कि युग परिवर्तन और सनातन धर्म को डेडिकेटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बड़ी मुसीबतें आएंगी और मुसीबतें में से आप भी बच नहीं सकेंगे। चाहे कहते हैं हमने तो इनको नाम ही नहीं सुना, कभी देखा भी नहीं, हमने हमको तो हमारी किसी किताब में पढ़ाया नहीं गया। हम क्या दवाई दें, दृष्टि के प्रकोप से गिरे हुए हैं हम, जहर से गिरे हुए हैं हम, वस्तुओं के अभाव से गिरे हुए हैं हम, महंगाइयों से गिरे हुए हैं और हम लोगों की खिलवाड़ से गिरे हुए हैं। नींव खोदने में एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। अब इस समय जो लोग हैं उनसे हम कहें, जैसे अभी आपके सामने कह रहे हैं, इस तरीके से कहें तो कोई मान जाएगा क्या? नहीं, कोई नहीं मानेगा। फिर इनसे क्या करना पड़ेगा, जिस भाषा को समझता है उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा। जो इस समय की परिस्थितियों में जिसमें आज आप हैं, ये परिस्थितियाँ अगले दिनों रहेंगी नहीं, इसमें बहुत काफ़ी हेर फेर पड़ने वाला है। एक पक्ष विनाश का पक्ष है, विनाश का पक्ष चारों ओर चलेगा। अगर आप देख लेना, आप तो जिंदा रहेंगे, जिंदा तो हमको भी रहना है, स्थूल शरीर से नहीं रहेंगे तो सूक्ष्म शरीर से हम बराबर काम करते रहेंगे और आपके साथ साथ रहेंगे। इसमें क्या होगा, इस समय में बड़ी मुसीबतें आएंगी और मुसीबतें में से आप भी बच नहीं सकेंगे। चारों दिशाओं में जब आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, बरसात आती हैं, तब कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता। अगले दिन बहुत भयंकर आने वाले हैं। इसमें क्या होने वाला है, इसमें नेचर प्रकृति हमसे नाराज़ हो गई है। बीमारियां फैलती हैं तो ऐसी फैलती हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं हमने तो इनको नाम ही नहीं सुना, कभी देखा भी नहीं, हमने हमको तो हमारी किसी किताब में पढ़ाया ही नहीं गया, हम क्या दवाई दें इसकी। और डॉक्टर कहते हैं साहब क्या सुई लगाएं, क्या दवा लगाएं, पता तो है नहीं, ये हमारी किताब में कभी हमने पढ़ा नहीं, ऐसा मरीज कोई देखा नहीं, ऐसी बीमारियों पर बीमारियाँ चली आ रही हैं। हम प्रकृति के प्रकोप से गिरे हुए हैं, हम जहर से गिरे हुए हैं, हम वस्तुओं के अभाव से गिरे हुए हैं, हम महंगाइयों से गिरे हुए हैं और हम लोगों की खिलवाड़ से जुड़े हुए। आपका हम काम करेंगे और सारी दुनिया का काम करेंगे। विद्वान नहीं है हम तपस्वी, जब से हमने जन्म धारण किया है तब से लेकर के और इस समय तक हमारा पूरी की पूरी जिंदगी एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने में व्यतीत हुई है। इसीलिए तपस्वी के पास जो शक्ति होनी चाहिए वो हमारे पास है। ये दुनिया बड़ी तहस नहस हो रही है, तो आप इसका क्या करोगे, इसको हम एक धुरी पर इकट्ठी करेंगे। एक धर्म सारी दुनिया का होगा और एक राष्ट्र सारी दुनिया का होगा और एक मैनेजमेंट, एक व्यवस्था दुनिया में होगी। कैसी व्यवस्था होगी, ऐसी व्यवस्था होगी कि कोई आदमी को छोटा बड़ा नहीं होगा, तो समानता के अधिकार हर एक को मिलेंगे, विषमता लोगों के बीच में रहेगी नहीं और सब आदमी एकता से रहेंगे। विषम काल जो आ रहा है, इससे बड़ा विषम काल कभी नहीं आया है। दुनिया को हम शानदार बनाएंगे। लड़ोगे पहले तो हम लड़ेंगे, नींव खोदनी पड़ती है और नींव खोदने के बाद में उसमें फिर ऊपर से महल चुना जाता है। नींव खोदने में एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। अब इस समय जो लोग हैं उनसे हम कहें,
जैसे अभी आपके सामने कह रहे हैं, इस तरीके से कहें तो कोई मान जाएगा क्या? नहीं, कोई नहीं मानेगा। फिर इनसे क्या करना पड़ेगा? जिस भाषा को समझता है उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा। दुनिया का एकीकरण करना है, सारे विश्व में फैले हुए राज्यों का एकीकरण करना है। सबको सबकी समानता कैसा होगा? सब आदमी मिल बांट के खाएंगे और हंसते हंसाते हुए रहेंगे। तोड़ने में भी शक्ति लगाएंगे और बनाने में भी हम शक्ति लगाएंगे। आपको दुखी हम नहीं रहने देंगे, आपको कठिनाइयों में घिरा हुआ नहीं रहने देंगे, आपको हम ऊंचा उठाएंगे, सभी दृष्टि से ऊंचा उठाएंगे, पैसे की दृष्टि से। पैसा तो बेटा अगले दिन ऐसा आएगा, कोई सोने की सराखें घर में जमा करेगा नहीं, बेकार जो चीज़ रहेगी नहीं उसको हम क्या देंगे? मालदार नहीं बनाओगे, नहीं मालदार नहीं बनाएंगे। तो आपको हम भावनाशील बनाएंगे, आपको हम विचारशील बनाएंगे, सारे संसार को बहुत शानदार बनाएंगे, ऊंचा उठा हुआ बनाएंगे, समुन्नत बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, और इस तरह का बनाएंगे जिस तरीके से इस धरती पर स्वर्ग अगला हमारी ये योजना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितने पहले से, मतलब ये कोई आज का वीडियो नहीं है, बहुत समय पहले का वीडियो है, उस समय से ही लोग युग परिवर्तन, भगवान कल्कि और बाकी सारी चीज़ों के बारे में पहले ही जान रहे थे कि कैसे समय आने पे नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ेंगे, दुनिया में तरह तरह की महामारी आएंगी, लोगों का कैसा बर्ताव हो जाएगा, सारी चीज़ें पहले ही लोगों को पता चल चुकी थी। और उसी कड़ी में थे ये डॉक्टर श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो काफ़ी लंबे समय से इसका प्रचार कर रहे थे, और अभी भी जो इनकी संस्थाएं गायत्री परिवार, वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर युग परिवर्तन में अपना योगदान भी दे रही हैं और बहुत अच्छे से उसको प्रमोट भी कर रही है। तो बाकी आपका क्या सोचना है इस वीडियो क्लिप के बारे में कमेंट में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।